नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुराना दोस्त पुष्पेन सिंह। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में करेंगे बिटकॉइन का एनालिसिस, बात करेंगे ट्रंप साहब की और यहां पर वजीरेक्स की भी बात करेंगे, तीन कॉइन की बात करेंगे। बहुत कुछ है वीडियो के अंदर, बहुत मसाला है आज। वैसा वीडियो सुबह से बनाने में लगा हूं, अब जाके फाइनली वीडियो कंप्लीट हो पाई है, तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो बिना देखे, उम्मीद है कि भाई साहब वीडियो पसंद आएगी आपको। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर पहली बार इस चैनल के ऊपर वीडियो देख रहे हो तो। वीडियो के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करना और 2x पर मत वॉच करना, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें और वही पैसा लगाएं जो यहां पर क्या कि आप रेडी है लूज करने के लिए। मेरा डिस्क्लेमर थोड़ा टाइट होता है क्योंकि मैं यहां पर क्या कि चाहता नहीं हूं कि यहां पर कमजोर लोग यहां पर क्रिप्टो के अंदर आए। बाद में बोलेंगे भाई कि यार डाउन हो गया यहां पर, तो 2% डाउन हो गया, 10% डाउन हो गया। क्रिप्टो के अंदर 10% 20% कुछ भी नहीं होता डाउन। सीधे यहां पर सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की, बिटकॉइन का करेंगे एक एनालिसिस। तो हमने यहां पर कल ही की वीडियो में अगर आप देखेंगे वन डे एगो, पुरानी बात नहीं कर रहा मैं ज्यादा यहां पर, मैं यहां पर वन डे एगो यहां पर हमने डिटेल एनालिसिस किया था ऑल्ट कॉइन का, बिटकॉइन का, वजीरेक्स की न्यूज का और बिटकॉइन की यूएस कॉन्फ्रेंस के बारे में। और जहां पर मैंने आपको बताया था यूएस के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें आप सभी के दोस्त ट्रंप साहब भी मौजूद हैं, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है काफी बड़े लेवल के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट करने वाली है, इसके बारे में बात करेंगे। तो कल यहां पर बहुत बड़ी, मतलब अगर इंडिया टाइम के हिसाब से देखें तो हम आज की बात करेंगे, तो यहां पर ये बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ और इससे बहुत बड़ा पॉजिटिव यहां पर क्या माहौल क्रिएट हुआ, जिसके बारे में अगर आप यहां पर ऑल ओवर देखोगे तो हमने कल यहां पर काफी डिटेल में यहां पर बिटकॉइन का एनालिसिस किया था और बात करी थी सपोर्ट की। देखो अगर आप देखोगे यहां से बिटकॉइन पंप हुआ 63,000 से और पंप होकर बिटकॉइन पहुंचा यहां पर 66,000 और उसके बाद में यहां पर डाउन होकर बिटकॉइन अगेन आ गया 63,000। लेकिन यहां पर बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया 68,000 और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अभी जो बिटकॉइन का प्राइस है अगर आप और ओवर देखोगे तो ये 68,000 के आसपास अभी चल रहा है जहां पर है रेजिस्टेंस। और यहां से क्या कि एक शॉर्ट की कॉल बन रही है, लेकिन टेलीग्राम के अंदर अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, एक दो कैंडल का वेट कर रहा हूं कि एटलीस्ट क्या है कि थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाए, एक बहुत बढ़िया शॉर्ट बनेगा भाई साहब, मजा आ जाएगा फुल। तो यहां पर उस शॉर्ट के अंदर कहां एंट्री लेनी है, कहां एग्जिट लेना है, जैसे मैंने कल आप सभी को इथेरियम की कॉल दी थी भाई, यहां पर एंटर करो, यहां पर एग्जिट करो, ये एसएल रखना है और लेवरेज इतनी रखनी है। और ये आपको पुष्पेन सिंह डिजिटल का जो टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम है वहां पर मिल रही है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लास्ट में जब वीडियो एंड हो तो आप वहां जाके वो चैनल भी ज्वाइन कर लेना अगर आपने नहीं किया तो। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी पहले ही कर चुके होंगे, ऐसे कामों में आप देरी नहीं करते हो। तो अभी यहां पर अगेन जहां से चला था वहीं आ गया, मतलब इस सपोर्ट के ऊपर आ गया। अब ये सपोर्ट के ऊपर तक तो वॉल्यूम ठीक है और इस पर अगर जैसे अभी बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हो रही है और भी दो तीन चीजें पॉजिटिव है और स्टॉक मार्केट थोड़ी सी भी रिकवर कर लेता है तो बिटकॉइन यहां पर एक बाउंस बैक का सीन बना रहा है। अगर यहां से बाउंस बैक होता है तो एक पॉजिटिव ही साइन है। लेकिन अगर तो कल हमने यहां पर क्या कि डिस्कस किया था कि भाई ये सपोर्ट है, यहां से बाउंस बैक जैसे ही यहां पर दो कैंडल अप हुई और एक अच्छा खासा बिटकॉइन ने अगर आप देखोगे 68,000 के आसपास बिटकॉइन पहुंच चुका है, मतलब कोई मजाक चल रहा है, 63 से सीधा $68,000। तो ये बिटकॉइन ने यहां पर एक पॉजिटिव माहौल बना दिया पूरी तरीके से। जो कॉन्फ्रेंस है मैंने आप सभी को कल ही बोला था कि भाई आप सभी के दोस्त वहां पर मौजूद हैं और जब दोस्त, कभी आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है पर आपका दोस्त धोखा नहीं देगा, तो यही चीज़ है कि दोस्त हमेशा क्या है कि दोस्ती का फर्ज निभाता है। तो यहां पर एक अच्छा खासा पंप हमें देखने को मिला, अभी यहां पर थोड़ा सा वेट करते हैं हम यहां पर एक एंट्री का, लेकिन उसके बाद में यहां पर क्या कि पहले हम कुछ प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं यहां पर बता देता हूं, वजीरेक्स इंडिया जो जिसके बारे में आप बार बार क्वेरी कर रहे हो, इनको मैंने बोला भाई आई थिंक वजीरेक्स इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इट्स यूजर, आई हैव रेज सम क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ अवर कम्युनिटी। जो आदमी अपनी कम्युनिटी के लिए सवाल नहीं उठा सकता ना, उसे ये समझ लो जिंदे मुर्दे में कहीं कहाँ काउंट मत करो। सही बता रहा हूँ, प्रमोशन करना आसान होता है किसी एक्सचेंज का, भाई ये ले लो, यहाँ साइनअप कर लो, रेफरल लिंक यहाँ मिल जाएगी, वहाँ मिल जाएगी, लेकिन जब उस यूजर को दिक्कत आती है, अगर आपका वो कोई भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो आवाज़ नहीं उठा रहा, तो मैं यहाँ पर बहुत बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये पब्लिक के साथ में धोखा है। जब प्रॉफिट बन रहा है, रेफरल इनकम से लोग पैसा बना रहे हैं और आपका पैसा बनना है तो आपने उसको भाई साहब आंख बंद के प्रमोट करो किसी चीज को, लेकिन जब आपका ही यूजर किसी समस्या के अंदर है तो बिल्कुल आप चुप हो जाओ, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं बहुत ओपन बोलता हूं और मैंने ये ओपनली यहां पर क्लियर कट यहां पर टैग करके, ऐसा नहीं ब्लाइंडली, निश्चल जी यू आर ब्रेकिंग अवर ट्रस्ट
एटलीस्ट यू शुड एक्नोलेज अवर क्वेरी। उन्होंने यहाँ पर 44 मिनट मैंने पहले मैंने ट्वीट किया, उसके बाद में उनका रिप्लाई आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो उन्होंने बोला भाई जितनी भी क्वेरी हैं सारी कंपाइल करो, और मैंने यहाँ पर क्या कि उनको प्रॉमिस किया है भाई जितने भी यूजर की क्वेरी आएंगी यहाँ पर जो भी आप कमेंट करोगे, अब भाई आप कमेंट ही नहीं करोगे जाके, आप वहाँ क्वेरी नहीं पूछोगे तो भाई इट्स योर मिस्टेक। मैंने अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, कंटिन्यू मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और क्वेश्चन पूछने चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर काम होता है कि जब भी उसके यूजर पर कोई दिक्कत है तो भाई साथ खड़ा हो, तो हमेशा साथ खड़े रहने वाले लोग हैं हम, चाहे वो कोई भी एक्सचेंज हो। और अभी एक और एक्सचेंज के ऊपर मैं आवाज़ उठाने वाला हूँ बहुत जल्दी, और लेकिन अगर यही मेरी आवाज़ दब जाएगी और आप भी सपोर्ट नहीं करोगे, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमारा फंड थोड़ी है इस एक्सचेंज पे बढ़ने दो, अगर सब यही सोचने लग जाएंगे ना तो भाई कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। और अगर दूसरा इन्फ्लुएंसर अगर ये सोचने लग जाएगा कि भाई अगर मैं एक्सचेंज के खिलाफ बोलूंगा मुझे नेक्स्ट टाइम प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि कोई कभी आवाज़ उठेगी नहीं, और अल्टीमेटली यूजर्स यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो अपना फ़ायदा उठाएगा और लॉस यहाँ पर क्या है यूजर का ही होगा। बहुत ओपनली बोल रहा हूँ मैं और पब्लिकली बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पर पर्सनल बात नहीं कर रहा किसी से। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक ने, ये तो आज मॉर्निंग की न्यूज है भाई साहब, $1 बिलियन डीफाई के अंदर RWA प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर वो डाल रहा है, बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि भाई डीफाई और RWA ये बड़े लेवल के ऊपर ट्रेंड होने वाला है, और इसीलिए क्या कि मैं कुछ प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आप सभी के साथ में, जहाँ पर मैं उनके बारे में डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ए फीचर्ड, तो यहाँ पर मैं सीधा प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाता हूँ, और तो ये यहाँ पर वेपर फंड की मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, जहाँ पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले इन्होंने सबसे बड़े बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है RWA, रियल वर्ल्ड एसेट। तो यहाँ पर जो ट्रंप साहब हैं वो भी यहाँ पर बुलिश नजर आ रहे हैं भैया क्रिप्टो के अंदर, और मुझे लग रहा है कि अब बार US की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी पूरी भाई साहब क्रिप्टो के ऊपर बहुत बड़े लेवल के ऊपर चलने वाली है। रेगुलाइजिंग वेब 3 पोर्टफोलियो ग्रोथ, आर यू रेडी टू रीडिफाइन एसेट मैनेजमेंट। तो अब जो जैसे हम वेब 3 की बात करते हैं, RWA की बात करते हैं, AI की बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचर तो देखो यही है। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर स्टेकिंग है, प्लस में यहाँ पर RWA के ऊपर है, और RWA से ए से रिलेटेड चाहे वो ओंडो फाइनेंस हो चाहे RWA का कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट हो, उसके अंदर हमने दवा के SIP स्टार्ट कर दी है और हम कंटिन्यू उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। VPR लोटो फंड कमिंग सून, VPR स्टेकिंग ऑलरेडी लाइव है, जिसके अंदर ये अप टू 365% का APR दे रहे हैं। स्टेक VPR टू अर्न पॉइंट एंड रिवॉर्ड, तो स्टेकिंग में क्या होता है आम के आम गुठलियों के दाम। RWA टी बिल प्लस रिवर्स रेपो, इसके अंदर 4.73% का यहाँ पर APR है। रीस्टेकिंग के ऊपर 3.11 का APR है। डिस्कवर VPR, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी बाइबिट जैसे टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, पैनकेक स्वैप, मैक्सी, गेट IO, प्लस में क्या है कि यहाँ पर इनके साथ में इनकी पार्टनरशिप है वीजा के साथ में, BNB चेन के पास में, ईथरफाई, और यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके साथ में ये ऑलरेडी यहाँ पर पार्टनरशिप कर चुके हैं। हैशनोड अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ पर RWA के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 99,930 ऑलरेडी यहाँ पर TVL लॉक है। तो ये TVL के अंदर हाउ टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने के लिए आपको करना क्या है, कनेक्ट विद योर क्रिप्टो वॉलेट टू ऑन BNB चेन। तो BNB चेन के ऊपर क्या होती है ट्रांजेक्शन फीस काफ़ी कम लगती है, दैट्स वाई दे हैव किप्ट BNB चेन ओनली। डिपॉजिट है मिनिमम $100 USDC, USDC ज़्यादा सिक्योर है तो USDC इन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है। आफ्टर अप्रूव क्लिक इन्वेस्ट एंड कन्फर्म द ट्रांजेक्शन। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो 76 डेज की 4.73, और यहाँ पर आप मिंट भी कर सकते हो, रिडीम भी कर सकते हो इन क्यू। तो अगर आपको मिंट करना है भाई कितना USDC फॉर एग्जांपल 1000, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा और यहाँ पर क्या कितने रिसीव करोगे, और लिंक विद ईमेल से करके आप डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। USYT क्या है, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा USYT लिखा आ रहा है, तो ये इन्होंने यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन इसके बारे में लिखा हुआ है। USYT इज ए बैक्ड बाई द ऑन चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैशनोड इंटरनेशनल शॉर्ट ड्यूरेशन यील्ड फंड लिमिटेड, और यहाँ पर बहुत डिटेल में इन्होंने क्यों भाई फंड मैनेजमेंट क्या सारी चीज़ें ये इन्होंने यहाँ पर डिटेल में रखी हुई है। बट एज ए ट्रेडर मेरा फोकस टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर जो है वो भाई राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट के ऊपर है। तो यहाँ पर इनकी एक बड़ी न्यूज आने वाली है आने वाले कुछ ही वीक के अंदर, जहाँ पर ये बाइनेंस के साथ में एक प्रोजेक्ट के साथ में मर्जर करने वाले। अब मर्जर के बारे में आपने देखा होगा, पहले मैंने ओसन के बारे में बात करी थी, यहाँ पर
एजीआई के बारे में बात कर रही थी, आप देखो उन तीनों कॉइन का यहाँ पर मर्जर हो गया, फैच आईओ। तो अब सेम यहाँ पर क्या है कि जब मर्जिंग होती है तो मर्जिंग में क्या है कि यहाँ पर यूजर को बेनिफिट मिलता ही मिलता है और टोकन की हाइप क्रिएट होती है। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक बड़ी हाइप हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्टेक करने का प्रोसीजर मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और यहाँ पर आप बहुत सिंपलीफाई स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ जाके सीधा क्लेम कर सकते हो। जो रिवॉर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे, मेटामास्क करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है, कॉइनबेस, ट्रस्ट वॉलेट, सारे वॉलेट्स को ये लगभग यहाँ पर क्या है सपोर्ट ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या है कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गिको के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आप वेपर फंड देखेंगे, फुली डायल्यूटेड वैल्यू और यहाँ पर 24 आवर्स ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा खासा हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे जाएगा। और करंट प्राइस इसका 0.00871 के आसपास चल रहा है, 31% ऑलरेडी ये एक लेवल के ऊपर अभी हमें पंप इसके अंदर देखने को मिला है। अगर इनकी हम यहाँ पर ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं तो वेपर फंड गेटवे, तो यहाँ पर RWA DeFi, अभी जैसा मैंने आपको ट्वीट दिखाया है उसके अंदर भी RWA और DeFi, ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई नया यहाँ पर आजकल का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हो। तो इन्होंने यहाँ पर मल्टीपल पार्टनरशिप, अभी भी 37 मिनट पहले इनका एक ट्वीट आया है, तो ये देख सकते हो ये पूरा के पूरा यहाँ पर इनका डिस्कवर वाई वेपर फंड इज अ लीडिंग द वे इन RWA इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू ओंडो फाइनेंस। तो ये अपने आपको क्या है कि अगर आप देखोगे ओंडो फाइनेंस से भी बेटर बता रहे हैं, और इन्होंने ये प्रूफ करके इन्होंने पूरा स्टैटिक्स यहाँ पर शेयर किया है। बात करूं मैं यहाँ पर क्या कि जो इनकी न्यूज की वो बाइनेंस मर्जर की, भाई साहब ये इस न्यूज के अंदर क्या होगा, हमें एक राइट टाइम एंट्री ले लेनी है, न्यूज आने के बाद में भाई कुछ परसेंट हमको एग्जिट ले लेना है। सीधी सी बात है यार, हमारे किसी प्रोजेक्ट से यहाँ पर कोई हमारा सीधा सा फोकस होता है भाई टाइमली एंटर हो बिफोर द न्यूज, और जैसे न्यूज वाला टाइम हो एग्जिट कर जाओ। लोग क्या है अपोजिट करते हैं, जैसे ETF की इथेरियम की न्यूज आई, लोगों ने क्या किया अपोजिट काम किया, हम अपोजिट वाले काम नहीं करते। जब डंप हो गया मैंने जब आपको वहां पर कॉल दी है, आप चैनल के अंदर देखेंगे मैंने क्या है डंप के साथ में आपको कॉल शेयर करी है। अब मैं यहां पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करूं, BGB की बड़ी अपडेट है, कई सारी अपडेट ऐसी हैं जो इंटरनल मुझे पता है। और यहां पर अगर आप देखोगे जो बिटकैट है, अभी हमारा जो मलेशिया के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, इसके अंदर बिटकैट की टीम आने वाली है, और BGB के अंदर मेरे पास में कुछ इंटरनल यूज है, आई डोंट वांट डिस्क्लोज, बट अगर आपके पास में कुछ क्वांटिटी है तो यहाँ पर बाय कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फोकस करूँ अगर मैं तो BGB के वाइट पेपर के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जिनका टाइमलाइन है और ये फुलफिल होने वाली हैं, और इसके अंदर एक अच्छा खासा भी हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ मांटा नेटवर्क की, तो मांटा नेटवर्क के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बीच में यहाँ पर क्या है थोड़ा सा कुछ क्लेरिफिकेशन थे वो अब यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनकी एक पार्टनरशिप आ रही है और ये ऑलरेडी सारे एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, 0.96 करंट प्राइस चल रहा है, 0.9 के आसपास ये आराम से आपको मिल जाएगा, और 0.9 टू 0.8 के अंदर एंट्री बना लो, और इसका $1.4 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। और मांटा नेटवर्क के CEO भी को फाउंडर भी हमारे इवेंट के अंदर जरूर आएंगे, तो मतलब ये है कि बड़े बड़े लोग इवेंट के अंदर मैं बुलवा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि भाई जितने बड़े बड़े लोग आएंगे उनसे मेरा उतना अच्छा यहाँ पर रिलेशन बन पाएगा, और जितने लोगों से मेरा रिलेशन अच्छा बन पाएगा उनके साथ में भाई बैठ के मैं लंच डिनर और बहुत सारे डिस्कशन कर पाऊंगा, और उन डिस्कशन के बेसिस के ऊपर उनको नहीं पता यार मैं हिंदी में यहाँ क्या बोल रहा हूँ, आप सभी को बेनिफिट जरूर होगा। मेरा ऑल ओवर पर्पस ये है कि भाई यूजर का बेनिफिट हो, क्योंकि आपका बेनिफिट होगा मेरा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आने वाले टाइम के अंदर, 25 प्रोजेक्ट के फाउंडर आ रहे हैं हमारे इवेंट के अंदर। अगर आप यहाँ पर मलेशिया के अंदर हो, अगर नहीं भी हो तो भाई आप वीजा लेके आ सकते हो, सॉरी फ्री वीजा है मलेशिया के अंदर इस ईयर तक, एंड ऑफ द ईयर आप आओ, वेलकम है, फ्री एंट्री है, वी डोंट सेल टिकट। अदरवाइज क्या है कि भाई क्योंकि हमारा कोई वो बिजनेस है ही नहीं, हमारा बिजनेस ये भाई हमें इन्फॉर्मेशन मिले चीज़ों की और रिलेशन बने, दैट्स इट, स्पेंड कर सकते हैं हम किसी से कोई चार्ज नहीं करते, हम फ्री टिकट बेचते हैं भाई, कोई चार्ज नहीं है। तो आप जाके लूमा के ऊपर देख सकते हो और ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी पोस्ट पड़ी हुई है, तो अगर आपका कोई दोस्त आपके फैमिली मेंबर भी कोई अगर मलेशिया के अंदर है दे कैन अटेंड फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।